दोस्तों अभी हम गोवा के लिए निकल चुके हैं और अभी हमारी फ्लाइट लगभग 2 बजे है, तो अभी हमने सोचा कि चलिए एक बार रास्ते में रुककर खाना खा लेते हैं। तो लगभग अभी 10 बजे हैं और हम यहाँ पर रुके हुए हैं। पीछे देख सकते हैं बाबा का ढाबा इस जगह पर है। तो अभी जयपुर के एयरपोर्ट पर हैं, यहाँ पर वेटिंग कर रहे हैं चेक इन करने का। अब कुछ देर बाद में फ्लाइट स्टार्ट है, फाइनल चेकिंग हो चुका है और अब फ्लाइट सामने खड़ी, उधर फ्लाइट टेक ऑफ करने ही वाली है। तो सबको बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका, अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ कि आप यहाँ आए, आपने अपना समय दे रहे हैं। बट एक बार फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ, अगले 3 दिन हमारे हैं, एंजॉय करिए, फुल एंजॉय, एवरी मोमेंट का एंजॉय करिए। जीवन में ऐसे अवसर चौथ माता ही दे सकती है, कोई इंसान आपको नहीं दे सकता। बोल चौथ मैया की जय। फाइनली अभी हम चेन्नई पहुंचे हैं और यहां से हमारी कनेक्टेड फ्लाइट है गोवा के लिए। इस वक्त चेन्नई एयरपोर्ट पर हैं नाथे गोजी सर, हैं बसंती लाल जी हैं और अम्बलेस भाई साहब हैं। मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा प्लेन था यहां पर, अभी हम इससे लैंडिंग कर चुके हैं और अब इस बस के थ्रू बाहर जाएंगे। तो गोवा पहुंच चुके हैं और रेडी हो चुके हैं और रेडी होने के बाद में अभी मेहंदी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, बस वहां पर जा रहे हैं। यह है होटल ताज एक्सोटिक। मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट लेगा। किसकी टीम को लग रहा है वो लोग जीतने वाले हैं? माथों के भी फील दैट यू आर गोइंग टू विन, मेक सम नॉइस। अगर सिनास को लग रहा है वो वन साइडेड जीतने वाले, तो थोड़ा शोर मचाओ।
मेरे पीछे आप ये जगह जो देख रहे हैं, ये है गोवा का शानदार व्यू। Herschel is searching for his soulmate, his partner in crime, the love of his life, the most beautiful, the one and only S.L.K. Yeah.
राधे जी के लिए ऑन द काउंट ऑफ 1, 2, 3 एकदम झक्कास। क्या बात है। एंड आई थिंक जैसी सर की पर्सनालिटी वैसी इनकी आवाज भी। एक और बार हमारे बाबा के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर। Thank you.
5 फरवरी है आज, और आज फाइनल डे है शादी का। और पहले हम सुबह आज 5:30 बजे उठे, उसके बाद में सीधे ही बीच पर चले गए, वहाँ पर एंजॉय किया, और उसके बाद में अब हम नाश्ता करने के लिए आ गए हैं। यहाँ पर ब्रेकफास्ट है, और ब्रेकफास्ट के बाद में फिर भी बीच पर ही हैं, तो बस थोड़ी देर बाद में यहाँ पर से ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा नहाएंगे पूल में जाकर, और उसके बाद सीधा वापस से हल्दी का कार्यक्रम, और उसके बाद में फिर फेरे होंगे। और भी अलग क्वालिटी के हैं। तो ये देखिए, ये है होटल ताज एक्सोटिका, और यहीं पर हो रही है हर्षिल माथुर की शादी, और अभी हर्षिल जी माथुर की निकासी निकल रही है। सामने इस वक्त घोड़ी में है हर्षिल जी, मैं आपको दिखाया था एक बार जूम करके। तो यहां से बारात शुरू हुई है, और यहां से पूरा ये बारात उधर सामने जो आप देख पा रहे हैं वो लड़की वाले हैं, वहाँ पर स्वागत करेंगे। और यहाँ सामने जो बीच दिख रहा है आपको, इस बीच साइड पर फेरे होंगे, रिसेप्शन भी यही है।
for helping us out to make this beautiful memory for our couple. Now you all can step down, the couple is calling you, go for it! एक बार दुआ करें इन दोनों के लिए, बहुत कामयाब हों, क्योंकि कोई मंजिल नहीं होती, देयर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट, आसमान होता थोड़ी है, हमें नजर आता है कि नीला नीला कुछ है, वो तो समुद्र का परछाई होती है सिर्फ। तो मित्रों, आप सभी मित्र, रिश्तेदार, परिजन, चाहने वाले, आप सभी का आभार कि आप यहाँ आए। आई एम सो हंबल, I am finding first person in my life after this. All right, first thing, Harshil is the most craziest person I have ever seen.